ट्विटर ने शुक्रवार को भारत में बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क द्वारा कंपनी खरीदे जाने के बाद कई देशों में ट्विटर छंटनी कर रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्विटर ने भारत में अपनी पूरी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीम को बर्खास्त कर दिया है। ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर वर्कफोर्स में कमी करने की योजना के तहत भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO पराग अग्रवाल के साथ ही मुख्य वित्त अधिकारी CFO और कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया था। उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण करने के तुरंत बाद ऐसा किया। इसके बाद शीर्ष प्रबंधन के कई लोगों ने इस्तीफा दिया। मस्क ने अब कंपनी के वैश्विक कार्यबल को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू की है। ट्विटर इंडिया के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर PTI भाषा को बताया, छंटनी शुरू हो गई है। मेरे कुछ सहयोगियों को इस बारे में ईमेल से सूचना मिली है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि छंटनी ने भारतीय टीम के महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित किया है। हालांकि अभी छंटनी का पूरा ब्यौरा नहीं मिला है। ट्विटर इंडिया ने इस संबंध में ईमेल के जरिए किए गए सवालों का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं दिया था। मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण से पहले ही इस तरह की चर्चा थी कि वह सोशल मीडिया कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेंगे। कुछ खबरों में तो यहां तक कहा गया है कि वह कर्मचारियों की संख्या में 75% की कमी करेंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंपनी में जारी किए गए एक ईमेल का हवाला देते हुए बताया था कि मस्क शुक्रवार को ट्विटर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर कर्मचारियों को ईमेल में सूचित किया गया था कि छंटनी शुरू होने वाली है और श्रमिकों को निर्देश दिया गया था कि वे घर जाएं और शुक्रवार को कार्यालय न लौटें क्योंकि छंटनी शुरू हो रही है। छंटनी केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईमेल में कहा गया है, ट्विटर में सुधार के प्रयास में हम अपने वैश्विक कार्यबल को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरेंगे। हम मानते हैं कि यह कई व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जिन्होंने ट्विटर में बहुमूल्य योगदान दिया है, लेकिन कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए दुर्भाग्य से यह कार्रवाई आवश्यक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों ने संदेश का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि लोगों को निकाला जा सकता है और सूची में अभी भी बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि छंटनी की सही संख्या क्या होगी, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि ट्विटर के लगभग आधे कर्मचारी